द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार के लोकसभा चुनाव नतीजे ने महाराष्ट्र में एनडीए की हवा निकाल दी। महाराष्ट्र की जनता ने एनडीए को उनकी करतूत की सजा दी। उसके बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गई है और सियासी भूचाल इस मायने में है कि एनडीए के घटक दलों में भगदड़ मच गई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अजित पवार की एनसीपी में बहुत बड़ी टूट होने जा रही है और यह टूट न सिर्फ विधायकों के तौर पर है बल्कि पूरे पार्टी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है वो इस खबर से आपको पता लग जाएगा। जरा देखिए न्यूज 18 इंडिया ने ट्वीट में क्या लिखा है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट के 18 विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में है और यह बहुत ही बड़ी खबर है। यह सूत्र जो है वो सूत्र कोई और नहीं, खुद रोहित पवार है, अजित पवार के भतीजे, शरद पवार के पोते। यानी कि यह एकदम से बहुत बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि विश्वसनीय सूत्र है। रोहित पवार अगर यह दावा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अजित पवार की जमीन खिसकने वाली है। वैसे भी जनता ने इनकी जमीन खिसका दी है। जरा न्यूज 18 के इस न्यूज को थोड़ा सा सुनिए आप, फिर हम पूरी खबर आपको बताने वाले हैं। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ा सियासी हलचल देखने को मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट के 18 विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में है। आपको बता दें कि शरद पवार गुट के सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट के 18 से ज्यादा विधायक वापस आना चाहते हैं। तो देख लिया आपने किस तरीके की खबर मिल रही है, कारण क्या है। कारण यही है कि लोकसभा चुनाव में अजित पवार को ऐसा झटका लगा कि सिर्फ एक सीट उनकी पार्टी जीत पाई। वहीं जो इंडिया गठबंधन है उसने बीजेपी को धूल चटाई है, बीजेपी भी सिमट के रह गई वहां। और इसके अलावा शिवसेना की भी हालत कुछ ठीक नहीं है, उनके भी सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अजित पवार 40 विधायक तोड़कर लाए थे, अब इसमें से 18 से अधिक विधायक अगर शरद पवार के साथ संपर्क में है तो यकीन मानिए कि विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले इसी साल के अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होंगे और उस चुनाव से पहले फिर से एनडीए में बड़ा खेल हो जाएगा। शरद पवार महाराष्ट्र में सियासी चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन उनके चाणक्य रहते हुए भी उनके अपनों ने ही दगा देकर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ कर डाली। फिर जो कसर बाकी रह गई थी उसे चुनाव आयोग ने और स्पीकर महोदय राहुल नार्वेकर साहब ने अपने तरीके से उस कसर को पूरा कर दिया। मतलब यह कि एनसीपी जो असली है वो अजित पवार की है और शिवसेना जो असली है वो एकनाथ शिंदे की है, जबकि इस मामले में अदालत में अभी भी मामला चल ही रहा है। लेकिन वहीं अब जब जनता ने अपनी अदालत में फैसला कर दिया कि शिवसेना हो, बीजेपी हो या फिर अजित पवार हो, इन तीनों ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को धोखा देने का काम किया, जनादेश का अपमान किया, तो जनता ने लोकसभा में इन्हें इनकी जगह दिखा दी। और अब जो यह खबर आई है कि विधायकों के टूटने का सिलसिला शुरू होने वाला है वो भी अंतिम दौर में, तो शायद उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं ना कहीं अगर वो अजित पवार के साथ ही टिके रहे तो उनकी नैया डूब सकती है। इस खबर की पुष्टि अगर करें तो पीटीआई ने भी जानकारी दी। पीटीआई ने लिखा, अजित पवार गुट के कई विधायक शरद पवार के संपर्क में। रोहित पवार का स्टेटमेंट है। यहां कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए के शानदार प्रदर्शन के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता रोहित पवार ने मंगलवार को ही दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी अजित पवार नित राकपा के 18 से 19 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदी राकपा के करीब एक दर्जन विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में हैं। अब यह समझिए कि किस तरीके से उनका पूरा गणित बिगड़ने वाला है। यानी कि अजित पवार के जो 40 विधायक हैं, 18-19 शरद पवार के संपर्क में और जो बच गए वो बीजेपी के संपर्क में। मतलब अजित पवार कहीं के नहीं रहेंगे,
ऐसी नौबत आती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर अजीत पवार को अपना सियासी सफर जारी रखना है तो उन्हें वापस अपने चाचा जी के पास जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं तो बड़ा नुकसान होगा। अजीत पवार की पत्नी चुनाव हारी सुप्रिया सुले से, तो ये कमाल के सिचुएशन है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल देखने को मिली और उसके बाद इस रिपोर्ट का आना कि यहाँ पर बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, तो फिर भाजपाइयों की भी नींद उड़ी हुई है। वैसे भी देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में हार की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली कि चलिए भाई मेरी वजह से एनडीए की दुर्गति हुई, शायद हमने ही तोड़फोड़ की। संजय राउत ने यह बातें कही है कि अगर एनडीए की दुर्गति हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस हैं और उन्हीं पर उन्होंने पूरे एमवीए को तोड़ने फोड़ने का भी आरोप लगाया। अब वही देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देकर पार्टी में संगठन का काम देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गलती तो बहुत बड़ी हो गई और अब जनता ने जब सजा दे दी है तो भागने से भी कुछ नहीं होगा। प्रायश्चित करने का तरीका क्या हो सकता है वो तो अब इनके आला कमान अमित शाह जेपी नड्डा तय करें। लेकिन यह रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया पर भी छपी, जो यह रिपोर्ट है कि भाई यहाँ शरद पवार गुट के पास अब अजीत पवार के विधायक लौटना चाहते हैं। तो फिर यहाँ देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या जानकारी दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही लिखा है, पवार के पोते ने कहा 18-19 एनसीपी विधायक लौटना चाहते हैं। यहाँ रिपोर्ट में क्या है, कुछ नाम भी है और स्टेटमेंट भी है जयंत पाटिल का, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ लिखा गया है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ विधायक राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी के साथ फिर से संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनसीपी के उम्मीदवार नीतीश लंके और बजरंग सोनावणे ने अहमदनगर और बीड लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। अब यहां से खबर क्या है कि जो लोग दल बदल कर भागे थे उनकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। कौन, रोहित पवार ने जो जानकारी थी 18-19 ऐसे विधायक के संपर्क में है, इसको लेकर फाइनल अपडेट किसका आया, जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं उनका स्टेटमेंट देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि राकपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बुधवार को कहा कि ऐसे विधायकों को वापस लेने का फैसला शरद पवार को करना है। पाटिल ने कहा मंगलवार को लोकसभा के नतीजे आए और कुछ लोग अपने फैसलों पर विचार कर रहे हैं, हालांकि हमने अभी इस पर विधायकों की वापसी पर विचार नहीं किया है। पार्टी शरद पवार के सलाह लेने के बाद फैसला करेगी। अजीत की एनसीपी को केवल एक सीट मिली, सूत्रों ने कहा विधायकों में असंतोष तब स्पष्ट था जब पार्टी को महाराष्ट्र की 48 सीटों में से केवल 4 सीटें मिली। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा नेताओं ने इस उम्मीद के साथ अजीत पवार का समर्थन किया कि महायुति सरकार में शामिल होने के बाद पार्टी आगे बढ़ेगी, लेकिन अब पूरा खेल बिगड़ चुका है। अजीत पवार अकेले पड़ गए। अजीत पवार के लिए मुश्किलें ये है कि अगर वो भागे मोदी जी फिर से चाहे तो उनकी फाइल खोल दें तो अजीत पवार बेबस हो जाएंगे। लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि मोदी में अब वो तेवर काम नहीं आएगा, क्योंकि मोदी जी अब बहुमत वाले नहीं रहे, उनकी पार्टी छोटी हो गई है, कमजोर हो गई है, सरकार कभी भी डबाडोल हो सकती है। इस वजह से अब जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का दौर भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो इंतजार कीजिए कि महाराष्ट्र हो या अलग अलग राज्य जहां हाल में अब चुनाव होने वाले हैं वहां पर क्या होने वाला है, कैसी उथल पुथल होगी, इस पर नजर बनाए रखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Life TV, सच सबसे आगे।